दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारा ड्यूल स्टार्टर होता है उसका हम पावर सर्किट कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे हम पावर सर्किट को बनाएंगे कि जैसे हमारी मोटर होती है उसको हम सप्लाई दे सकें। क्योंकि पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था वह कंट्रोल सप्लाई बताई थी, इससे क्या होगा कि जो हमारा कॉन्ट्रेक्टर होता है उसको केवल हम सप्लाई देते हैं, वह मोटर को चलाने के लिए यूज नहीं होती है, वह केवल और केवल जो हमारा कॉन्ट्रेक्टर होता है उसको ऑन कराने के लिए उसका यूज किया था, जो हमारी कंट्रोल वायरिंग होती है। ठीक है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग पावर वायरिंग के बारे में जानेंगे, जो कि हमारी थ्री फेज की होती है। जो हमारी कंट्रोल वायरिंग होती है वह सिंगल फेज की हमारी होती है, लेकिन जो हमारी पावर वायरिंग होती है वह थ्री फेज की होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब मोटर को चलाने के लिए इस सप्लाई का हम उपयोग करते हैं, तो आइए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा पावर वायरिंग होती है उसको करने के लिए हमें एक थ्री फेज के एक MCB की जरूरत होती है, या हमें एक फ्यूज मिल जाए, क्योंकि थ्री फेज का तीन फ्यूज हो उस तरह से, लेकिन MCB थोड़ा आसान पड़ता है इसलिए हम एक MCB रखेंगे। उसके बाद एक हमारा कॉन्टेक्टर होगा, उसके बाद एक हमारी रिले होगी और कुछ हमारे तार होंगे। इस तरह से हम पावर वायरिंग करेंगे। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी MCB आ गई, उसके बाद हमारा कॉन्टेक्टर आ गया, ये हमने रिले यहाँ पे नीचे लगा दी, उसके बाद हमारा मोटर आ गया। अब इस मोटर को सप्लाई देने के लिए हम इस पावर वायरिंग वो करेंगे, तो एक एक करके हम तीनों फेसों को हम इस तरह से चार्ज करेंगे। अब एक एक फेस कौन कौन से हमारे हैं, एक हमारा R, एक Y और एक B। ठीक, इन तीनों फेसों को एक एक करके हम इन कॉन्टेक्टरों को सप्लाई देंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये हमारा R फेस हो गया, इसको हमें देना है। ये देखिए, R फेस हमने यहाँ से निकाला, ये हमारा R फेस निकला और सीधे हमने ले जा करके कहाँ पे दे दिया, ये यहाँ पे दे दिया कॉन्टेक्टर के जो हमारा L1 वाला पॉइंट है। L1 वाला मतलब लाइन 1 वाला पॉइंट है, वहां पर ला करके हमने दे दिया। ठीक है, और वह जो हमारा आउटपुट है इसको निकाल करके हम कहां पे ले जाकर दे देंगे, मोटर को। ठीक, इस तरह से ये तीनों में स्पष्ट रूप से समझाता हूं आपको, एकदम से तीनों में आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखिए, इस तरह से आपको समझना है। लेकिन जो हमारी जो केबल होती है, वह केबल जो होती है हमारी, वह तीन कोर की होती है। ठीक, तो तीन कोर की होती है, तो आपको इसी तरह कनेक्शन करना, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि आपको करना कैसे। इस तरह से देखिए, एक MCB से सीधा आपको एक तार सप्लाई को दिया, वहां से निकाला कॉन्टेक्टर के L1 वाले पॉइंट पे दिया, और यहाँ रिले से जो T1 पॉइंट था उससे निकाल करके आपने मोटर को दे दिया, ये एक सप्लाई वाला तार आ गया। उसके बाद जो पीला वाला फेस है यह हमारा येलो फेस है। ठीक है, येलो वाला निकाल करके हमने यहाँ से येलो हमारा तार निकला, और इसको भी सेम उसी तरह से हम ला करके जो हमारा L2 वाला पॉइंट है, ठीक है, वहां पर ला करके हमने लगाया, और L2 वाला जो यहाँ पर T2 से निकलेगा, मतलब टर्मिनल से निकलेगा रिले के, और उसको ला करके हमने कहाँ पे दे दिया, मोटर के टर्मिनल पे हमने दे दिया। ठीक है, इसके बाद जो हमारा B वाला फेस है, RYB ब्लू फेस है, वो ब्लू फेस हम निकाल करके लेके आएंगे और कहां पे देंगे, ये देखिए हमारा L3 वाला पॉइंट है, वहां पे दे दिया, और उसका आउटपुट जो हमारा टर्मिनल 3 से निकलेगा, और उसको निकाल करके सीधा हमने क्या किया, मोटर के टर्मिनल को दे दिया। बस इस तरह से आपको कनेक्शन करना है। आपको सिंपल थ्री फेस की केबल आपको MCB को चार्ज करना है, उसके बाद उन तीनों फेसों को निकाल करके आपको जो कॉन्टेक्टर का L1, L2 और L3 वाला पॉइंट है उसको सप्लाई आपको यहां पर दे देनी है, और उसके बाद उसका आउटपुट जो निकलेगा रिले से निकलेगा वो T1, T2 और T3 के रूप में निकलेगा, और उसको निकाल करके आपको मोटर को दे देना है। इस तरह से आपकी जो मोटर है वह चलने लगेगी जैसे ही आप स्टार्टर को ऑन करेंगे। अब यह ऐसा नहीं है कि यहीं से आपकी मोटर चलने लगेगी, अब यहीं इसके या तो वही पावर वायरिंग, यहां के बाद आपको जो कंट्रोल मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था उसकी मदद पड़ेगी, मतलब इस कॉन्टेक्टर को आपको ऑन कराना पड़ेगा, तो वो किससे होगा, वो कंट्रोल वायरिंग से होगा। तो वह कंट्रोल वायरिंग के लिए आपको पुश बटन वगैरह दबाना जो है लगाना लगा के उसको जब आप कॉन्टेक्टर को आप ऑन कराएंगे तो ये सप्लाई पास करेगा और आपकी मोटर को सप्लाई आ जाएगी, आपका मोटर जो होगा चलने लगेगा। अब देखिए यहां पर क्या है, एक चीज ध्यान देने योग्य ये है कि ये जो मोटर है हमारी वह तो चलने लगी। अब मोटर में जो थ्री फेस का जो हमारी मोटर होती है उसमें दो प्रकार के डायरेक्शन होते हैं, एक होता है हमारा
क्लॉकवाइज और एक होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक सीधा होता है एक उल्टा होता है। अब मान लीजिए कि जो आपकी मोटर है वह इस तरह से घूम रही है, ठीक, तो ठीक है आपकी मोटर सही कंडीशन में घूम रही है, मतलब क्लॉकवाइज आपकी मोटर चल रही है, लेकिन कहीं हो सकता है गलती उससे आपकी मोटर जो होगा एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगी, उल्टा घूमने लगी, तब आप क्या करेंगे उस वक्त मोटर को कैसे आप सही करेंगे। तो आपको करना क्या है कि देखिए ये जो आपका आर वाई बी ये तीनों फेस आ रहे हैं, अब इन तीनों फेसों का एक फेस एंगल होता है दोस्तों। फेस एंगल क्या है कि तो देखिए क्या होता है कि जो हमारा एक फेस है दूसरा फेस है और तीसरा फेस है, या आर वाई और बी ये तीनों, तो ये तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पे शिफ्ट होते हैं। अब इसमें क्या है कि इनका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब क्या हुआ कि मोटर आपकी एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगी, तो वहां पर आप क्या करें, चाहे आप यहां से चाहे आप यहां से चाहे आप यहां से चाहे यहां से या फिर मोटर के टर्मिनल से कहीं से भी इस आर वाई बी जो हमारा ये तीनों फेस आ रहे हैं इनको आपको इंटरचेंज करना है। मतलब जो हमारा आर वाई बी है ना, ये तीनों देखिए आर वाई बी ये तीनों फेस आ रहे हैं, इनमें क्या है करना है वाई आर बी, मतलब किसी एक फेस को आपको पलट देना है। तो मतलब इस वाले को इधर कर देना है, इस वाले को इधर कर देना है, ठीक है, या इस वाले को आपको इधर करना है, इस वाले को इधर कर देना है, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के आपको एक फेस को इंटरचेंज करना है, बदलना है, ठीक। जैसे आपने आर वाई को इधर ले आए, आर को इधर लेके चले गए, ये तो ठीक है, या आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो आर ये हो गया, अब बी और वाई कर दीजिए आप, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के आपको किन्हीं दो फेसों को आपस में बदल देना है, उससे क्या होगा कि जो मैग्नेटिक जो फील्ड है हमारी वह चेंज हो जाएगी और आपकी मोटर जो एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी वह क्लॉकवाइज चलने लगेगी, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो मोटर है उसमें इस जो कनेक्शन होते हैं वो दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं। एक हमारा जो कनेक्शन होता है वह होता है स्टार में कनेक्शन, एक होता है डेल्टा में कनेक्शन, ठीक है, दोनों कनेक्शन अलग अलग होते हैं। अब वो क्या होते हैं आइए उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, ये आपने समझ में आ गया होगा, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको कनेक्शन करना है, ठीक है, पावर का। अब आपको क्या करना है, अब देखिए जो आपकी मोटर है उसमें जो कनेक्शन होता है वो पहला कनेक्शन होता है हमारा स्टार के रूप में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब इसमें क्या है, देखिए जो हमारी मोटर होती है चूंकि वह थ्री फेज की हमारी मोटर है तो उसमें जो क्वाइल होती है वह तीन क्वाइलें होती है, देखिए एक क्वाइल ये हमारी है, एक क्वाइल ये है और एक क्वाइल ये है, ये तीनों क्वाइलें हमारी अलग अलग है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए ये क्वाइल जो है हमारी यहां पर देखिए यू वन और यू टू ये पूरी एक क्वाइल है, ठीक है, इस तरह से हम रखिए तो इस तरह से ये क्वाइल हो गई। देखिए बी वन और बी टू ये पूरी एक क्वाइल है, ठीक, और डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू ये जो है हमारी वह एक क्वाइल है, इस तरह से हमारा कनेक्शन होता है। ऊपर वाले तीनों हिस्सों को हमने शॉर्ट कर दिया, ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से होता है, एक क्वाइल ये हो गई, एक क्वाइल ये हो गई, एक क्वाइल ये हो गई। अब क्या होता है कि इस ऊपर वाले हिस्से को हमें शॉर्ट कर देना है, ठीक। अब यहां पर जब हम शॉर्ट कर देंगे तो ये पूरा का पूरा शॉर्ट हो जाएगा और यहां का जो पोटेंशियल होगा वो हमारा जीरो हो जाएगा और यहां पर हमें आर वाई बी ये तीनों फेस हमें दे देने हैं। यहां पर देखिए जैसा कि है, देखिए ये तीनों क्वायरों का एक एक सिरा है उसको हमने शॉर्ट कर दिया और यहां पर हमने L1 में R R Y B ये तीनों फेस दे दिए। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि एक क्वायर जो होती है हमारी उसको हमको 220 वोल्ट की सप्लाई देनी है। अब वह कैसे देना है, वो इस तरह से आपको देना है, तो आपकी जो मोटर है वह स्टार में चलने लगेगी, ठीक है, यह स्टार कनेक्शन हो गया। मतलब किन्हीं एक मतलब कोई भी जो हमारी कॉइल है सभी के एक एक सिरे को आपको शॉर्ट कर देना है। ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट करके ला करके यहाँ जंक्शन बना दिया गया है और इन तीनों हिस्सों को देखिए एल वन लाइन वन लाइन टू और लाइन थ्री में हमने सप्लाई दे दी और आपकी मोटर जो है वह स्टार में चलने लगी। अब इसके साथ साथ हमारा एक कनेक्शन और भी होता है, उसको हम बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। अब इसमें क्या होता है
वही सिस्टम होता है, क्वाइलें हमारी वही होती हैं, ठीक है। इस तरह से क्वाइलें हमारी वही होती हैं, तीन ही क्वाइलें होती हैं, बस इसमें क्या होता है कि इसमें एक क्वाइल को 440 वोल्ट हमें देना होता है। यहाँ पर क्या है, एक क्वाइल को कितना हमें देना है 220 वोल्ट, लेकिन यहाँ पर हमको एक क्वाइल को 440 वोल्ट देना है। अब वह कैसे देंगे, देखिए इस वाले हिस्से को हम यहाँ के साथ शॉर्ट कर देंगे, इस वाले को हम यहाँ के साथ, और इस वाले हिस्से को इस तरह से शॉर्ट करके अब यहाँ पर आप तीनों फेस दे देंगे, मतलब आर वाई बी, वही चीज यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, ठीक। ये देखिए ये तीनों एक दूसरे से शॉर्ट है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए आर फेस यहां से आ रहा है इस वाली क्वाइल को मिला, और देखिए ये देखिए आर वाला फेस यहां से आया, उसके बाद देखिए बी फेस यहां से घूम करके यहां पे आ गया, तो 440 वोल्ट मिल गया। अब यहां पर देखिए इस वाले का जो आर फेस है वो यहां आ गया, और वाई फेस हमारा यहां से आ रहा था, तो इस वाले को भी 440 वोल्ट मिल गया। अब यहां पर देखिए यह जो है हमारा सीधे बी फेस हमारा यहाँ पे आ रहा था, और ये वाई फेस हमारा आ गया, तो इस तरह से भी इसको भी 440 वोल्ट हमारा मिल गया। यह हमारा डेल्टा कनेक्शन हो गया। इसमें भी देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, इस तरह से शॉर्ट किया था, स्टार बनाया था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें इस तरह से शॉर्ट करना है, ठीक, क्योंकि हमें स्टार नहीं बनाना है, पोटेंशियल जो है वो जीरो नहीं करना है। देखिए इस तरह से आपको शॉर्ट करना है, जैसा मैंने आपको यहां पे बताया था उसी तरह आपको यहां पे देखिए U1 एक क्वाइल का सिरा हुआ, और देखिए दूसरी क्वाइल का कौन सा सिरा, W2, ये दूसरी क्वाइल का सिरा हो गया, V1 और U2, उसके बाद दोबारा W1 और V2, इस तरह से आप शॉर्ट करेंगे तो एक क्वाइल को 440 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। कैसे करना है यहां पर मैंने आपको बताया, देखिए एक सिरा ये हमारी एक क्वाइल ये हो गई, देखिए हमारी एक क्वाइल ये हो गई, तो इसको क्या हुआ कि एक फेस यहां से मिला और एक फेस यहां से मिला, तो ये 440 वोल्ट हो गया। यहां से देखिए क्योंकि ये लाइन वन है और ये लाइन थ्री है, ठीक, वही चीज मैंने आपको यहां पर समझाया है डिटेल में। देखिए एल वन और एल थ्री ये दो दो फेस मिल गए, यहां पर देखिए एल वन और एल टू ये दो फेस यहां पर मिल गए, और एल थ्री और एल टू यहां पर दो फेस मिल गए, तो इस तरह से इस क्वाइल को हमारी 440 वोल्ट मिल गया, वही चीज मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। तो ये दो प्रकार से कनेक्शन होते हैं, स्टार में होते हैं और डेल्टा में होते हैं, ठीक है। अब आपको क्या चीज क्लियर हो गई होगी कि जो मोटर है हमारी उसका जो कनेक्शन है वह स्टार में किस तरह से होता है और डेल्टा में किस तरह से होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी जानकारी मिल पाए, और इस वीडियो संबंधित कोई है कोई कंफ्यूजन है तो उसको भी कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं दोबारा उस पर एक बेहतर जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आज वीडियो में बस इतना ही, नमस्कार दोस्तों।